नमस्कार, मैं हूं करण और आज एक और छोटा सा वीडियो देवबंद टपरी दोहरीकरण और उसके विद्युतीकरण का। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि जो OHE जो है टपरी की दिशा से जो नई लाइन की OHE है उसको देवबंद से जोड़ा जाएगा, लगभग काम हो गया था, लेकिन आज उसको पूरा जोड़ दिया गया है देवबंद से। लेकिन कुछ मास्ट रह गई थी जिस पर ब्रैकेट ट्यूब स्टे ट्यूब तो लग गई थी, लेकिन स्टेडियम और रजिस्टर आर्म नहीं लगी थी, जिसको लगाने का कार्य आज किया जा रहा है। और ड्रॉपर वगैरह भी प्रॉपर तरीके से लोग कस रहे हैं, मतलब पूरा प्रॉपर नहीं है क्योंकि बाद में कसाई होगी जब उसके लिए टावर वैगन आएगा। तो अभी चलते हैं आगे SSP के पास, वहाँ पर गैंट्री मास मैंने बताई थी आपको लगेंगी, उसको इरेक्ट किया जा रहा है। ये देखिए, हम देवबंद SSP के पास हैं। ये सामने देखिए हाइड्रोलिक क्रेन किस तरीके से उसको इरेक्ट कर रही है गैंट्री मास को। और 1, 2, 3, 4, 5 गैंट्री मास्ट यहाँ पर लगाई गई है नई, क्योंकि अभी इंटरप्टर में से फीड वायर निकलेगी जिसको आगे एक्सटेंड किया जाएगा अप और डाउन लाइन के OHE के लिए। और जो बीच में है ये शायद हटेगी, जो बीचों बीच लगी ना पुरानी वाली गैंट्री, इसको हटा दिया जाएगा। और यहाँ पर अभी ऊपर ब्रिज सा बनेगा वायर्स, और अंदर इंटरप्टर्स रखे हुए हैं। 3 इंटरप्टर्स मैंने बताए थे आपको, एक तो पहले से था और 2 नए लगे हैं। और त्यौहार का सीज़न आ रहा है, अभी तो काम ठीक से चल रहा है लेकिन त्यौहार की वजह से हो सकता है कुछ मज़दूर जो हैं चले जाएं, क्योंकि दिवाली है और छठ पूजा वगैरह भी है कुछ, क्योंकि ईस्ट UP और बिहार से भी हैं यहाँ पर मज़दूर, तो काम थोड़ा धीमा हो सकता है।